राजधानी लखनऊ में शिक्षक महासंघ ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। शिक्षक महासंघ ने राज्य सरकार से 21 सूत्रीय मांगों में पुरानी पेंशन बहाली करने का भी जिक्र किया है और सभी टीचरों के वेतन वृद्धि करने की मांग की है। इसी विषय को लेकर शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय का संयुक्त रूप से घेराव कर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, विगत 6 माह से हमारी 21 सूत्री शिक्षक की ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको लेकर के हम लोगों ने जनपद मुख्यालयों पर एक सांकेतिक धरना किया। उस धरने में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय डीजी साहब को एक ज्ञापन दिया कि हमारी जो ज्वलंत समस्याएँ हैं इनका बैठ कर वार्ता करें और यदि वो जेन्यून हैं तो इन पर सकारात्मक सहृदयतापूर्ण जो है उनका हल निकालें। लेकिन आज तक उनके साथ किसी समस्या के लिए ना तो वार्ता की गई ना उनका हल निकाला गया।